उत्तराखंड में सीएम धामी द्वारा प्रदेश में भू कानून बनाने को लेकर एक ठोस कदम उठाते हुए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में भू कानून को लेकर प्रदेश के नागरिकों के आम सुझाव जानने को जगह जगह मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज जसपुर खंड विकास कार्यालय के सभागार कक्ष में भू कानून को लेकर क्षेत्रवासियों के सुझाव जानने के लिए उप जिलाधिकारी गौरव चटवाल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल की मौजूदगी में अधिवक्तागण, प्रधानगढ़ किसान यूनियन के पदाधिकारी शामिल हुए और भू कानून को लेकर सभी ने अपने अपने सुझाव दर्ज कराए। बैठक में एक ओर जहां भू कानून का समर्थन देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर भू कानून का विरोध भी दिखाई दिया। आइए आपको सुनाते हैं कि भू कानून को लेकर किसने क्या क्या कहा। ग्राम प्रधान मिश्र वाला प्रधान पति और वर्तमान में प्रधान पिता हूँ, और ये आज की जो गोष्ठी एक मीटिंग की गई एसडीएम साहब के माध्यम से ब्लॉक जसपुर के अंदर सभागार में, उसमें हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल जी और वार एसोसिएशन से भी तमाम वकीलों और ग्राम प्रधान संघ और जिला पंचायत आदि अधिकारी आला अधिकारी उसमें मौजूद थे, जिसमें इसमें जो हमारा भू अधिकरण नियम का मामला है, तो सभी की ये राय एक हुई है कि जो संविधान में लिखा है, संविधान के तहत संविधान को रद्दोबदल ना किया जाए, और जैसा है, क्योंकि हमारे छोटा सा उत्तराखंड देश के अंदर आयात निर्यात भी होता रहे और वहाँ जैसे जो बाहर के रहने वाले बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आकर उद्योग लगाते हैं, उन पर थोड़ी सी रोक लगाई जाए। किसान जसपुर ब्लॉक सभागार ने आज मीटिंग बुलाई गई थी किसानों के ये विचार के संबंध में, जो नया कानून बनना है उसमें आप अपने सुझाव दीजिए। तो हमने यही कहा था, ऊपर पहाड़ पे आपको दिक्कत है, वहाँ पर 250 मीटर के आड़ में बहुत ज़्यादा ज़मीन लोगों ने खरीद फरोख्त कर ली है, जबकि उस पर उनको आपने लचीला बनाया, इस वजह से आपको सब आगे देखने पड़े हैं। अगर उस हिस्से में ये कानून लचीला ना बनाते, सख्त बनाते, तो ये दिन ना देखने पड़ते। सन 2003 से आपने ये कानून लागू करा है और 21 साल पूरे होने को आए हैं, अब आपको अब याद आइए इसकी कहाँ तक सोच रहे हैं, आज तक क्यों नहीं करा आपने आज तक इसका कोई समाधान। अब सब कुछ बिगाड़ के अब ध्यान आ रहा है आपको। तो विचार करने हेतु शासन के निर्देश पर एसडीएम महोदय ने आज मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और संबद्ध नागरिक, हमारे किसान यूनियन, हमारी बार एसोसिएशन, उस समय उन सब ने प्रतिभाग किया और अपने अपने विचार दिए और अच्छे विचार आए, और मैं समझता हूँ यहाँ से ये सब सम्मिलित होकर यहाँ से जो रिपोर्ट जाएगी सबके विचार उसमें रखे जाएंगे और एक अच्छा भू कानून बनेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा दोबारा चेंज किया जा रहा है, बदला जा रहा है, जो 154 का एक सेक्शन है जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, उसी के लिए चेंज करने के लिए एक बहुत अध्यादेश नया कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है। वो कानून लगभग पहले से था ठीक था, क्योंकि प्लेन की परिस्थिति ऐसी है कि आज का जो कानून था ये सफिशेंट कानून है, और रही बात चेंज करने की है, तो उसमें कुछ चेंज ये करना चाहिए, जो ग्रैंड फादर होते हैं, दादा होते हैं, उनकी 2003 के अनुपालन उनका अनुपालन करना चाहिए। बहु अगर खरीदती है तो उनके ससुर का, उनके गधे ससुर का खरीदने के लिए रखना चाहिए।